सर क्या नाम है आपका? सर अरुण सोनी नाम है। अरुण जी, आज ही ग्रीन पार्क में कौन सी चैंपियनशिप हो रही है और कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें? यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंपटीशन हो रहा है और इसमें करीब 22 टीमें पार्टिसिपेट। जी, क्या इसके पीछे उद्देश्य क्या है चैंपियनशिप के पीछे? इसके पीछे हमें ताइक्वांडो को प्रमोट करना, कानपुर ताइक्वांडो स्पोर्ट्स एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि ताइक्वांडो को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना और प्रमोट करना, बच्चों में इसके लिए भावनाएं जागृत करना। आज की सेल्फ डिपेंड की बात की जाए, ताइक्वांडो कितना ज़रूरी है, खासकर बात की जाए लड़कियों के लिए, तो लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें, तो उनके लिए किस तरह आप लोगों ने रखा? हम लोगों ने लड़कियों के लिए खास तौर पर अलग एक कैंप भी लगाते रहते हैं हम लोग, और यहाँ पर भी काफ़ी लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें कि मतलब उन्नाव से लेकर और ये हमीरपुर तक के बच्चे आए हुए हैं, सरदार पटेल। और हमारे यहाँ इंडिया अभी तक का जो रहा रिकॉर्ड 6 साल 3 महीने का सृष्टि सोनी के नाम से जो रिकॉर्ड रहा, वो सृष्टि सोनी उस समय का है, अभी रिकॉर्ड बना हुआ है। और हम लोग इसमें आगे भी इसके कैंप लगाकर, संस्था के माध्यम से कैंप लगाकर, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग जगह पर कैंप लगाकर हम इसको प्रमोट करने का पूरा प्रचार प्रसार और प्रमोट जितना कर सकें हम लोग करेंगे। मेन हमारा टारगेट इसको प्रमोट करना है और लड़कियों में, महिलाओं में आत्मसुरक्षा की भावना जागृत करना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृष्टि सोनी है। जी सृष्टि सोनी, आप भी ताइक्वांडो जैसे बताया रह चुकी हैं, आप कहाँ कहाँ आपने अब सब प्रेजेंट किया है अभी तक, पूरी बात? मैं इंडिया की सबसे छोटी कम उम्र की ब्लैक बेल्ट रह चुकी हूँ। जी आज के टाइम में ताइक्वांडो जो है लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी हम एक एनजीओ भी स्टार्ट करने वाले हैं। जी जी, तो वुमेन्स सेल्फ डिफेंस, जो लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग दूंगी, जिससे लड़कियाँ सेल्फ प्रोटेक्ट जो है कर सकें। क्या क्या मैम ट्रेनिंग होगी इसमें, किस तरह के बचाव करेंगी लड़कियां, जिस तरह की आजकल आपने मॉलेस्टेशन की बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, आजकल अपराध बहुत बढ़ गया है लड़कियों के प्रति, इतना अपराध बढ़ चुका है लड़कियों के प्रति, आजकल लड़कियां चाहती ही नहीं है कि वो बाहर निकले क्योंकि इतना अपराध बढ़ चुका है। इसलिए मैं उनको जागरूक करना चाहती हूँ कि वो जो है खुद को प्रोटेक्ट करें और वो आगे बढ़ें। क्या मानती है लड़कियाँ भी ताइक्वांडो की ओर आगे आ रही हैं? हाँ बिल्कुल आ रही हैं आगे, और मैं चाहूँगी कि मैं खुद भी लड़कियों को ट्रेनिंग दूँगी ताकि वो लड़कियाँ और आगे। सृष्टि जी, आपकी बात की तो आप कहाँ कहाँ नेशनल की बात की जाए तो कहाँ कहाँ खेली है, कहाँ कहाँ आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया? स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, मैंने सारे लेवल जो है डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल लेवल पार्टिसिपेट किया। थैंक यू।